जय हिंद साथियों, मैं जय सिंह आपका अपने चैनल प्रयाग ग्राउंड पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि भाई आपकी यूपी पुलिस की रिजल्ट की डेट भाई बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, अब डिले नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि मैं इस पे एक पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसको भाई किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन मैं आप सच में बता रहा हूँ भाई, यूपी पुलिस रिजल्ट की डेट भाई कन्फर्म हो चुकी है, ठीक है। आपके जो रिजल्ट है 27 अक्टूबर को आने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लड़के और सभी लड़कियां भाई तैयार हो जाएं, ठीक है, फिजिकल के लिए, क्योंकि आपको फिजिकल के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और रिजल्ट का जो भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वो अब तैयार हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल समय ही नहीं बचा है अब सोचने के लिए कि रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है। ये भाई ऐसा नहीं हो रहा कि ये बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, आप सभी को पता ही होगा योगी जी ने लगभग 10 तारीख के आसपास उन्होंने क्या कहते हैं ये आदेश भी दिया था, 10 तारीख से पहले ही आदेश दिया था उन्होंने, ये और ये कहा है कि भैया सख्त आदेश दिया है कि रिजल्ट जो है अक्टूबर महीने के लास्ट तक आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अक्टूबर महीने के कितना लास्ट होगा आपको पता ही हो सकता है कि आज 20 तारीख तो हो चुकी है, अभी मुझे नहीं लगता कि 1-2 दिन में तो कन्फर्म कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो जो भाई न्यूज अंदर से पता लग रही है, जो लोगों से पता लग रही है मुझे, और जो अंदर जो डिपार्टमेंट में लोग हैं उनसे जो पता लग रही है मुझे, बात ये समझ में आ रही है, ठीक है, कि जो रिजल्ट है आपका 25 से 30 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और 27 अक्टूबर भाई प्रोबेबली लाइक लगभग 99% चांसेस हैं कि आपके 27 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब भाई अभी बिल्कुल सोच रहे हैं, हमारे पास समय बचा ही नहीं कि फिजिकल करें ना करें, जो फिजिकल कर रहा होगा भाई उसी की चांदी है, ठीक है, जो नहीं कर रहा होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा धोखा है, ठीक है। और अब आप लोग भाई ये बिल्कुल ना सोचे कि हमारा कट ऑफ से नंबर कम होगा, कट ऑफ से नंबर ज़्यादा होगा, क्या होगा कैसा नहीं होगा, आपको मैं बता दूँ कि पिछली बार 2019 में जब भर्ती आई थी तो सबसे बड़ा सदमा लोगों को ये लगा था कि फिजिकल की डेट आपकी 3 दिन के अंदर ही पटक दी गई थी, समझ रहे हो, जैसे आपका रिजल्ट आया उसके 3 दिन बाद ही आपको फिजिकल लगा दिया गया था, 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला दिया था और 3रे दिन भाई आपको रिजल्ट के लिए बुलाया था। कुछ लोगों को तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही रनिंग करवा दिया था, समझ रहे हो, मतलब कोई इसका सिस्टम नहीं है कि 3 दिन बुलाए कि 10 दिन बुलाए कि 15 दिन बुलाए, समझ रहे हो। तो आप लोग इस तरीके से तैयार हो भाई, इस बार भी उन्होंने जल्दी करना है क्योंकि कुंभ लगने वाला है, लगभग प्रोबेबली आपके चांसेस हैं कि आपकी जो ड्यूटीज़ है यूपी पुलिस लड़के लड़कों की जो ड्यूटीज़ है उनको सब कुछ मतलब फाइनल रिजल्ट होने के बाद उनको ट्रेनिंग जाने से पहले शायद उनकी ड्यूटी मतलब थोड़ा बहुत ट्रेन करके उनको शायद कुंभ में लगा दिया जाए, क्योंकि कुंभ में 60,000 लोगों की अगर फोर्स उन्हें मिल जाती है, 60,000 में 50,000 भी लगा देंगे तो भाई उनके लिए भाई एक पर्याप्त फोर्स में मिल जाएगी और उनका जो उद्देश्य है कुंभ वाला पूरा भी हो जाएगा, ठीक है। और आप उन्हें जो भाई डिप्लॉयड पुलिस है जो पहले से ही ऑलरेडी कहीं ना कहीं है उनको यहाँ पर बुलाना नहीं पड़ेगा और वो जहाँ पर हैं वहाँ पर अपना शासन व्यवस्था देखते रहेंगे। तो भाई लगभग 99% चांसेस है कि आपका जो है आपको ट्रेनिंग के लिए कुंभ में लगाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी से तैयार हो जाइए, ठीक है, क्योंकि कुंभ भाई एक बहुत बड़ा ही आयोजन है, ठीक है, और उसके लिए भाई अगर लगाया जाएगा तो आपको ज़रूर है भाई आपका फिजिकल रिजल्ट सब कुछ जल्दबाजी में होगा, अब ये जान लीजिए रिजल्ट जितना जल्दबाजी में हुआ उतना ही फिजिकल जल्दबाजी में हुआ, और रिजल्ट तो कन्फर्म है भाई अक्टूबर में आना है, ठीक है। योगी जी ने बोल दिया था भाई उससे डिले तो हो ही नहीं सकता यार, अब अगर बोला है अक्टूबर लास्ट में लाओ तो लाना ही पड़ेगा भाई, आयोग को कैसे भी करके जाए 30 अक्टूबर की लास्ट तारीख को ही दे, लेकिन लाना ही पड़ेगा, लेकिन प्रोबेबली भाई इतना लेट नहीं करेंगे वो लोग, 27 अक्टूबर जो मैं बता रहा हूँ वो कन्फर्म डेट है, ठीक है, 27 अक्टूबर को आपके रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। और नवंबर में भाई मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको भाई दीपावली क्रॉस करें, ठीक है, उसके बाद आपका कभी भी फिजिकल लग सकता है, ये मान चलिए 5 नवंबर से आपको फिजिकल लग सकता है, उससे जल्दी तो मुझे थोड़ा सा कम चांस है, लेकिन 5 नवंबर के बाद कभी भी लग सकता है फिजिकल आपका, ठीक है। तो मैं सही बता दूँ 10-15 दिन से ज़्यादा समय बचा नहीं है, ठीक है, जो नहीं दौड़ रहा भाई वो बहुत पछताएगा, ठीक है। लड़के लड़कियाँ सभी लोग भाई रनिंग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, अब हमारे पास सोचने तक का समय नहीं है कि अब हम करें तो करें क्या, अब सोचें तो सोचें क्या, ठीक है। अब आप ये सोचो कि हम भाई फिजिकल की तैयारी करें, स्टार्ट करें, रनिंग करें, कोशिश करें, तो अब हमारे पास उतना समय नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा भैया कि प्लीज़ यार आप किसी भी चीज़ का वेट ना करो, अभी से जो लोग रनिंग नहीं कर रहे हैं अभी भी इतना टाइम नहीं गुजर चुका है कि आप लोग रनिंग की तैयारी नहीं हो पाएगी, अभी से भी चाहोगे भाई रनिंग स्टार्ट कर सकते हो और रनिंग मेंटेन करके भाई अपनी तैयारी कर सकते हो, समझ रहे हो, इतना भी टाइम नहीं गुजरा है भाई, लोगों के पास बहुत समय होता है, लोग बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं, लेकिन आपके पास समय है तो आप लोग नहीं अच्छा कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, समझ रहे हो भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं पिछली बार जब रनिंग जीडी की रनिंग स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ 15 दिन के अंदर भाई पेस मेंटेन करके 23-15 तक मार रहा था, समझ रहे हो, तो आपके पास तो भाई अभी 15 दिन का समय है, और जबकि मैं कभी दौड़ा नहीं हूँ बहुत, मैं ऐसा नहीं मैं कहीं का रेसर हूँ, कुछ नहीं भाई, मैं नॉर्मल आपकी तरह ही बंदा हूँ, मुझे भी दौड़ने में भाई दिक्कत होती है, मुझे भी दर्द होता है,
आप लोग ये अगर चाहेंगे तो अभी भी भाई इतना समय है कि आप लोग भाई रनिंग स्टार्ट करके रनिंग अभी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप सभी को एक ही बात बताना चाहूँगा कि भैया प्लीज़ यार रनिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जिनके भी 100+ मार्क लड़कों में भाई हैं उनका तो भाई वो तो बिल्कुल सोचे ही ना, ठीक है। और 95+ वाले भी दौड़ें, ठीक है। चांसेस हैं इस बार, बहुत अच्छे चांसेस हैं मेरे ग्राउंड में, जहाँ पे मैं हमारे हम मैं सनी भाई लोग जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे 92, 93, 94 वाले भी दौड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा भाई नहीं 90+ भी है तो आप लोग दौड़ें, क्योंकि आफ्टर नॉमिनेशन आपके 190+ हो जाएंगे तो चांसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और लड़कियाँ भी भाई जिनके मैंने बताया था कि जिनके अगर 70 से 75+ क्वेश्चंस हैं वो भी दौड़ें, ठीक है। क्योंकि लड़कियों कट ऑफ 2 से 3 कट ऑफ गिरेगी, और इस बार भाई 16 सब सब ढीले पड़े हैं, ठीक है। और रिजल्ट जैसे ही आएगा पटक, अगर 2-4 दिन का तो फिजिकल लगा दिया ना भाई, तो सभी लड़के लड़कियाँ सब बहुत ज़्यादा बाहर होंगे। तो जिनको भी अगर मौका मिलेगा तो भाई वो मौका ना छोड़ें, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ यार जल्दी से अपनी तैयारी को मेंटेन करिए, मजबूत करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाई फिजिकल के लिए तैयारी बनाते रहिए, ठीक है। और आपको भाई कोई भी अगर डाउट हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो भाई, जुड़ जाइए, ठीक है। आप लोग कमेंट में अपना डाउट भाई बोल सकते हो, ठीक है। हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, हम सभी कमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं भाई। जो फेक कमेंट करते हैं, फालतू कमेंट करते हैं उनको नहीं, लेकिन जो जेन्युइन कमेंट्स होते हैं भाई उनको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप लोग का भाई प्यार ऐसे ही बना रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।